इसको देखिए यहाँ पे हम लोग इसको खोलेंगे प्रिंटर को, और जो है अभी हम लोग इसकी पूरी पूरी जो है सर्विस करेंगे प्रिंटर की। देखिए आपको यहाँ पे अपने पेज को खोल लेना, पहले बैक साइड के पेज को, और ये आप जो है इसमें वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है इसका लोक दे रखा है, तो लोक को भी खोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपने पेचकस के साथ में खोल लिया है लोक को, ऐसे जो है यहाँ पे खोल लेना आपको अच्छे से। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी बैक कवर को निकाल लिया है, ये देखिए हमारा बैक कवर है प्रिंटर का। अब जो है दोस्तों यहाँ पर दूसरी भी साइड का खोलेंगे बैक कवर को, ऐसे ही सेम बिल्कुल से आपको लोक को खोल के निकाल लेना है इसको। ये देखिए हमारा इसका भी खुर्जा बैक कवर, और देख पा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट थी यहाँ पे बैक कवर में। तो अब जो है हम लोग इसके आगे के पैनल को खोल रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आगे के पैनल में लोक लगा रखा है, तो लोक को खोल लेंगे पेचकस की मदद से, और ये हमारा खुल जाएगा प्रिंटर बहुत ही आसानी से। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना भी खोल लिया अपना प्रिंटर के फ्रंट कवर को, और ये देखिए हमारा बिल्कुल ही आगे से खुल गया पूरा का पूरा प्रिंटर। ये इसी के साइड में पेंच लगी हुई है, तो देख पा रहे हैं इसके पेंच को भी निकालेंगे खोल के प्रिंटर के। दोस्तों हमारे प्रिंटर में पेपर जाम की दिक्कत थी, तो हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं आज। ये देखिए इसके लोक को खोल लिया है, इसका जो यहाँ पे साइड का लोक है, तो साइड के लोक को भी निकालेंगे आराम से। आप लोग भी आराम से निकालो इसको। ये भी है इसको। अब जो है यहाँ पे बैक इसके बैक वाले पैनल को भी खोलेंगे हम इसमें। देखिए यहाँ पे लोहे का पैनल दे रखा है, इसमें बैक पैनल है इसका, इसको खोल लेंगे हम। ये देखिए बैक वाले पैनल को खोल लिया हमने, और ये इसका इसकी बॉडी थी, तो बॉडी भी खोल हमने ऊपर की, और मिट्टी डस्ट है तो निकालेंगे इसको अच्छे से, हमें साफ करेंगे, इसकी सर्विस करेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे कांटे से निकाल दिया हमने, और देख पा रहे हैं इसका पूरा पूरा यहाँ पे पैनल दे रखा है इसका प्रिंटर का। ये यहाँ पे देख रहे हैं इसका पावर जो है, यहाँ पे पावर कार्ड है इसका प्रिंटर का, और ये इसकी इसको क्या कहते हैं भैया, हीटर असेंबली है, हीटर असेंबली। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने हीटर की असेंबलिंग को खोल रहे हैं। अब इसको आपको आसानी से खोलना, बहुत ही सावधानी से भी। ये देखिए यहाँ पे इसका पावर का कनेक्शन है, तो पावर के कनेक्शन को निकाल लेंगे, और इसके छोटे मोटे कनेक्शन हैं इनको भी निकाल लेना आपको बैक साइड से। और इसको यहाँ निकालने के बाद में फिर यहाँ पे इसकी हीटर की असेंबलिंग को निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने खोल लिया इसकी हीटर की असेंबलिंग को, हमने अपने प्रिंटर से इसको निकाल लिया हीटर की असेंबलिंग को। आप इसमें देख पा रहे हैं हमारी हीटर की असेंबलिंग है, ये पूरी की पूरी आपको निकाल लेना है, और अच्छे से जो है इसकी सर्विस करेंगे हम लोग, और जो है फिर इसको दोबारा से अपने प्रिंटर में लगा देंगे। ये देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट है, तो डस्ट को साफ कर रहे हैं हाथों से, रोल हुआ है इसमें, हर चीज़ को अच्छे से साफ करके लगाना, इसमें फिक्स करना है। अब हम इसकी देखते हैं इसमें हीटर की असेंबलिंग को खोलेंगे। इसके अंदर में दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसके अंदर में यहाँ पे पहला पेज था, यहाँ खोल यहाँ पे दूसरा पेज है, और आसानी से बिल्कुल आपको यहाँ पे इसको खोल लेना है। ये देखिए इसमें रोलिंग का सिस्टम है,
ऊपर यहाँ रोल लगा रखा है इन्होंने, इसमें हम लोग इसको घुमा रहे हैं, आपको यहाँ पे पता भी लग रहा होगा, देखिए ये इसका पेपर रोल है ये, और ये देखने में अच्छी कंडीशन में लग रहा है ये। इसको यहाँ खोल लिया हमने, और ये देखिए यहाँ पे इसकी कलारियाँ वगैरह दे रखी हैं, रोलर भी इसके अंदर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्प्रिंग को निकाल दिया, ऐसे आपको दूसरी स्प्रिंग भी निकाल लेनी है। लॉकिंग का सिस्टम है इसका, ये आराम से खोलने के बाद देखो इसका पूरा पूरा सिस्टम यहाँ पे खुल गया है। और ये जो है यहाँ पे पावर के लिए दे रखा है, इसमें कनेक्शन वगैरह तो इसमें खोल रहे हैं। वाइट रंग का कनेक्शन इसका पावर केबल का, ये दोस्तों हमने अपने कार्ड में लगा रखा था, आपने देखा था जिसको निकाला था, तो यहाँ से निकालेंगे। इसके अंदर में वो हीटर होता है, तो अच्छे से जो इसकी सर्विस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अच्छे से इसको सर्विस के बाद में बहुत ही अच्छे से काम करेगा ये। तो ये देखिए यहाँ पे इसका हीटर का पैनल, इसको खोल लिया हमने, और ये देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिल्म इसकी ख़राब है, देख पा रहे हैं यहाँ पे इसमें छेद है फिल्म में, ये देखिए। तो यहाँ पे दिक्कत है, तो जो है अभी जो है इसको रिप्लेस करेंगे फिल्म को हम लोग। तो देखिए हमने फिल्म को जो है यहाँ से निकाल दिया है, ये फिल्म ख़राब है। और ये देखिए यहाँ पर ये है, जो भी दिक्कत परेशानी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर जल गया है ये, तो जो है इसको साफ़ करेंगे और फिर ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो हम यहाँ पर दूसरी लगाएंगे फिल्म, आप जो है इसके अंदर में देख पा रहे हैं यहाँ पे फिल्म में छेद है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, फिल्म में देखिए छेद है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ छेद है, ये इसमें छेद है इस फिल्म में, देख रहे हैं आप ध्यान से। और इसके अंदर जो हमारी हीटिंग रोड है, हीटिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम है हीटिंग रोड में, मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे वीडियो में। ये देखिए बहुत ज़्यादा जल गया है यहाँ पे, तो इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पे फिक्स करके निकालेंगे और अपने प्रिंटर को ठीक करेंगे। देख पा रहे हैं आप इसमें हीटिंग रोड यहाँ पर जली हुई है, तो हम लोग जो है अच्छे से यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे साफ करके लगाएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ पे हमारा इस, तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे ना जैसे कि फ्रेम इसका, तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं भैया, क्या लग रहा है, पेस्ट है ये, हीटिंग पेस्ट। तो फिर दोस्तों यहाँ पे पेस्ट लगा हमने, इसमें हीटिंग पेस्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका हीटर है प्रिंटर का ये, और फिर हमने जो है ये आप इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है यहाँ पे लगा दिया पेस्ट हमने। और ये अभी देखिए यहाँ पे रोड लगा रखे हमने, पतली सी हीटर है ये देखिए यहाँ पे इसकी हीटर की कॉइल है ये, तो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया इसके अंदर, फिर जो है हम इसको पेस्ट के साथ में यहाँ पे चिपकाएंगे अच्छे से, आप इसमें वीडियो में देख पा रहे इसको चिपका रहे हैं हम। तो आपको भी अच्छे से यहाँ पे चिपका लेना है इसको, रोड को बहुत ही अच्छे से चिपकाएंगे इसको हम। और ये देखिए यहाँ पे इसका जो है यहाँ पर लगा दिया है यहाँ पर, इसमें जो है देखिए यहाँ पर दोबारा से लगाएंगे पेस्ट इसके ऊपर, आप इसमें देख पा, इसमें यहाँ पर हमने पूरा पूरा पेस्ट लगा दिया हीटर पे, और फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे इसमें, ये देखिए अच्छे से आपको मिला लेना है, इसे अच्छे से करना है। तो अब जो है इसको पेस्ट को लगाने के बाद में फिर हम लोग इसको सुखा लेंगे। और ये आप ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज की वायर यहाँ पे है, और ये देखिए यहाँ पे इसकी मोटी वाली वायर है, और यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लगा रखा है इसका
जो हीपलर वगैरह है हमें यहाँ तो जहाँ से जहाँ की सप्लाई, और फिर ये दोस्तों यहाँ से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हीटर को गर्म करेगा, और फिर ये हमारे इसमें रोड के अंदर में जैसे पुरानी करेगा, ये पुरानी होगा। और अभी देखिए दोस्तों, ये हमारी थी ना, जैसे कि फिल्म थी इसकी, तो फिल्म में दिक्कत थी जो कि मैंने दिखा था कि फट गई थी फिल्म। अभी देखिए यहाँ पे नई फिल्म लगा रहे हैं हम इस पर, बहुत ही अच्छी नई फिल्म है ये देखिए, ये हमारी ठीक है, जैसे जो हमें पहले वाली थी, और ये जो है हमारी नई वाली फिल्म है। तो हम लोग यहाँ पे नई वाली फिल्म को लगा रहे हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से लगाएंगे फिल्म को हम लोग इसमें। तो दोस्तों सबसे पहले देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी जो वायर है, ये वायर को डालेंगे फिल्म के अंदर, और फिर हम लोग अपने यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर डाल देंगे, इसमें ग्लू के साथ में चिपक जाएगी ये। और ये देखिए घूम रही है वहाँ पे, जो अभी हमने इस पर पेस्ट लगाया था तो इसके साथ में घूम रही है अच्छे से। देखिए यहाँ पे फिक्स कर दिया हमने इसको। तो ऐसे ही अभी आपको भी करना है दोस्तों, जब आपका ये जैसे हीटर अच्छे से नहीं काम करता है, और ये देखिए इसका छोटा सा यहाँ पे प्लग दे रखा है, तो उसको लगा देंगे हम। इसे आपको भी लगा लेना है, और फिर आपको अच्छे से इसको आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो ऐसे ही आप इसको अच्छे से फिक्स कर लें। मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे रेडी कर ली है अपने इसको कॉइल को, और अब ये हमारी यहाँ पे इसकी रोलर की है, ये देखिए यहाँ पे रोलर हमने लगा दिया अपने इसमें असेंबलिंग में, देख पा रहे हैं यहाँ पे रोलर हमने लगा दिया अच्छे से। और ये इसकी हीटिंग की प्लेट है, अच्छे से फिक्स कर दिया है। तो अब जो इसमें रोलर पे लगा देंगे इसको हम, और फिर अच्छे से इसको फिक्स करेंगे, और इसकी बहुत ही अच्छे से इसमें असेंबलिंग कर देंगे हम। रोलर के साथ में अटैच करना है आपको इसको, देखिए रोलर में लगा दिया है। अब जो है इसके लॉक को हम लोग अपना लगा के यहाँ पे लॉक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लॉक है इसका, ये देखिए, और ये इसका दूसरा लॉक है, तो आपको दूसरा लॉक भी लगा लेना है। लॉक को लगाने के बाद में यहाँ पे मेटल का लॉक लगाएंगे हम, देख पा रहे हैं इसमें मेटल का लॉक है, यहाँ पर दूसरा मेटल का लॉक है, तो हम जो है इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों इसके साइड में यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखी है, तो हम लोग इसको खींच देंगे, आपको भी अच्छे से इसमें खींचना है इसको। तो अभी ये देखिए यहाँ पर पेचकस हमने डाल दिया है, पेचकस को डालने के बाद में स्प्रिंग को खींच के यहाँ पर लॉक में फंसा देंगे, यहाँ ज्वाइंट हो गया। और यहाँ पे हमारा दूसरा लॉक है, यहाँ पे दूसरे लॉक को भी फंसा देंगे, अच्छे से हमारी मशीन की असम्बलिंग यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे रेडी कर दिया हमने इसको अपने प्रिंटर पे सप्लाई को, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसको घुमा घुमा के टेस्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो अच्छे से घूम रही है ये, काफ़ी अच्छे से फंक्शन सीन बना हुआ है, देख पा रहे हैं मैकेनिज्म जो है इसका काफ़ी अच्छा है। अब जो है इसको अंदर हम लोग अपना लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर मशीन है हमारी, और इसकी जो है इसकी फिटिंग करेंगे हम लोग। लगा दिया इसकी बारी कवर को हमने, और अब जो है हम इसमें पेंच को कसेंगे। पेंच देखिए यहाँ लगा देंगे हम, पेचकस की मदद से अच्छे से पेंच को कसेंगे। तो यहाँ पे जगमंदर सैनी जी हैं जो कि पेंच को कसते हैं ढंग से,
अच्छे से काम करते हैं ये। अगर ये आपको प्रिंटर में कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपना ला के हमारे दुकान पे दिखा सकते हैं। आप ये जो है इसे अपने घर पे ट्राई ना करें, एक्सपीरियंस आदमी को दिखाएं आप लोग अपने टोनर को, प्रिंटर को, कार्टेज को। हमने आपको यहाँ पे डेमो के तौर पे जो है खोल के दिखाया है। ये देखिए हमारी की, ये है फिल्म, ख़राब वाली फिल्म है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इसकी फिटिंग कर रहे हैं वायरों की, आपस को वायरों में जोड़ रहे हैं। देख लीजिए काफ़ी अच्छे से इसकी फिटिंग कर दी हमने। तो ऐसे दोस्तों आपको भी जो है इसकी फिटिंग कर लेनी है अच्छे से। और ये आप इसमें देख पा रहे हैं प्रिंटर है हमारा। अब जो है हम लोग इसको प्रिंटर के अंदर में लगाएंगे और फिर इसकी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे असेंबलिंग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इसका पेंच है, तो पेंच आप अपना लगा दो। हमने इसको बॉडी में सेट कर दिया अच्छे से और इसी के बाद में यहाँ पे दूसरा पेंच भी लगा देंगे जो कि इसकी असेंबलिंग पे लगेगा। और आपको यहाँ भी पेच लगा लेना दूसरी जगह पे। देखो यहाँ पेच है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से पेच के सिलेंडर से पेच को कस लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी पेच को नहीं छोड़ना है। और ये देखिए हमारी असेंबलिंग यहाँ पे लग के तैयार है। अब जो है हम लोग इसकी जो वायरिंग का कनेक्शन है, तो वायरिंग के कनेक्शन को करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में देख पा रहे होंगे हम लोग जो है इसकी वायरिंग की कनेक्शन कर रहे हैं। आपको भी ऐसे ही बिल्कुल करना है वायरिंग का कनेक्शन। ये देखिए यहाँ पे हमने फिट कर दिया है। और ये हमारा हीटर का कनेक्शन था जो कि हमने कर दिया अपने पावर कार्ड में कर दिया इसको। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कर दिया। और ये देखिए यहाँ पे छोटे मोटे कनेक्शन है प्रिंटर के, तो वो भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सावधानी के साथ में अच्छे से आपको करना है इसका कनेक्शन। सभी दोस्तों प्रिंटरों के अंदर में यही रहता है फंक्शन जो हमने आपको दिखाया है। तो दोस्तों छोटे वाला प्रिंटर है, तो आप भी अपने प्रिंटर को खोल के कर सकते हैं। पर दोस्तों अगर आपने कभी नहीं किया तो सबसे पहले दुकान पे जाएं और फिर अपने मिस्त्री से करवाएं। वैसे दोस्तों आप ठीक करोगे तो दिक्कत आपको बन सकती है। अब जो है हम लोग इसकी बॉडी को यहाँ पे कस देंगे। दोस्तों देखिए ये है इसकी बॉडी है, हमने यहाँ पर बॉडी में लोक लगा दिया है। ऐसे दोस्तों दूसरी साइड का लुक लगा देंगे और जो है यहाँ पे इसके पेज को कसेंगे हम। पेज को कसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, भूलना नहीं आपको पेज कसना। अगर आप जैसे पेज को कसेंगे नहीं तो बॉडी आपके आगे पीछे जा सकती है। तो आप जो है अपने बॉडी के पेज को अच्छे से देख के कस लें। और ये देखिए यहाँ पे इसका लॉकिंग का सिस्टम है, तो आपको लॉकिंग के सिस्टम को भी लगा देना है, आपको नहीं भूलना है बिल्कुल इसका लॉकिंग सिस्टम। और ऐसे ही अब जो है हम लोग इसके बैक पैनल को लगाएंगे। ये देखिए जो कि लोहे का बैक पैनल है, पीछे से इसके प्रिंटर की सिक्योरिटी करता है, तो हम लोग इसके बैक पैनल को भी लगा लेंगे। और हम लोग इसके बैक पैनल पर अच्छे से यहाँ पर पेच लगा देंगे। तो अभी देखिए भैया यहाँ पर पेच कस की मदद से पेंच को लगा रहे हैं। वैसे हम जो है देखिए यहाँ पे पहला पेंच लगा दिया, अब जो है यहाँ पे दूसरा पेंच लगाएंगे। तो अच्छा पैनल है इसका काफ़ी, तो अपने दूसरे पेंच को भी लगा लेंगे। आप अपने सिंगल भी पेंच को लगा सकते हैं। तो देखिए हमने रेडी कर लिया प्रिंटर को काफ़ी अच्छे से। अब दोस्तों हम लोग इसके साइड के कवर को लगाएंगे। तो ये आप जो है वीडियो में देख पा रहे हैं इसका पावर कार्ड है। और इसके अंदर में दोस्तों लॉकिंग का सिस्टम होता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखें और जो है हमें सावधानी के साथ में लगाएं।
क्योंकि यहाँ पर सारा इसमें लोकिंग का सिस्टम है, अच्छे से आपको फंसाना है। अपने जैसे इसमें फंसा तो वैसे ही आपको फंसा देना है। देखिए फंस गया है दोस्तों, जैसे फंसेगा इसमें कट की आवाज़ आएगी और भैया पेंच गिरा इसके अंदर से। अब जो है यहाँ पर दूसरे प्रिंटर का बैक साइड का कवर लगाएंगे हम। ये देखिए ये रहा दूसरा बैक कवर है, उसके दूसरे बैक कवर को भी लगाएंगे, क्योंकि तो इसका फ्रंट का कवर है। लगा दिया क्या है? पहले दोस्तों यहाँ पे फ्रंट कवर लगाएंगे हम, अच्छे से आपको फ्रंट कवर को लगा लेना है। ये देखिए लॉक हो गया है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले फ्रंट कवर लगाना, फिर आपको बैक कवर लगाना है यहाँ पे। और पहले हमने जो है यहाँ पे बैक कवर को लगा दिया था, तो इसको निकाल लेंगे। अब जो है इसको दोबारा से बैक कवर को लगाएंगे प्रिंटर की। इसको लगाने के बाद में फिर हम लोग ऊपर का कवर लगा देंगे, हमारा प्रिंटर यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब जो इसके अंदर में पेज को कस देंगे हम लोग, तो ये देखिए यहाँ पे खाना है पेज का, तो अच्छे से यहाँ पे पेज को कसेंगे हम लोग। प्रिंटर के पेज को देख पा रहे हैं, अच्छे से आपको भी यहाँ पे कस देना है और हमारा प्रिंटर अच्छे से हो जाएगा। अब जो है इसकी टेस्टिंग करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर में पावर केबल को लगाएंगे। और ये देखिए रेडी हो गया हमारा प्रिंटर। तो ऐसे आप भी अपने प्रिंटर को रेडी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अब हम लोग इसमें पेज को लगा के और इसकी टेस्टिंग करेंगे। पहले दोस्तों इसमें ये था कि जैसे कि बीच में रुकता था पेज, तो अब ये नहीं रुकेगा, क्योंकि जो भी दिक्कत थी परेशानी थी हमने इसको निकाल दिया है। और अब हम लोग इसमें पेज को डालेंगे और इसमें प्रिंट की कमांड देंगे। तो हम लोग यहाँ पे अपने पावर केबल को और अपनी फीमेल जो है यूएसबी जैक है फीमेल वाला, तो उसको यहाँ पे लगा देंगे प्रिंटर के अंदर में, कनेक्ट कर देंगे। और उसको दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद में फिर हम लोग ये देखिए यहाँ पे पेज को लगा देंगे प्रिंटर के अंदर। पेज को लगाने के बाद में फिर हम लोग अपने कंप्यूटर से कमांड देंगे। तो आप ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्यूटर है, तो यहाँ से कमांड देंगे हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर से। चलो भैया चालू करो ना इसको, चालू है। तो दोस्तों ये देखिए हमने यहाँ पे दे दी कमांड, इसके अंदर में देख पा रहे हो दोस्तों कमांड दे रहे हम लोग अपने कंप्यूटर से। और ये अभी निकल के आएगा कमांड, तो लाइट जलने लगी और हमारा पेज आने वाला है। इसके बाद में इसकी टेस्टिंग करके देखेंगे कि कैसा पेज इसमें निकालेगा कैसा नहीं निकालेगा। तो आप इसमें देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से पेज को निकाल रहा है, ये स्मूथ तरीके से निकाल रहा है। ये देखो इसके अंदर में जो भी एरर था बहुत ही अच्छे से यहाँ पर निकल चुका है, बिल्कुल ही साफ साफ पेज आ रहे हैं प्रिंटर के अंदर, आप इसमें देख पा रहे हैं। तो आपको भी अगर ऐसी कुछ भी दिक्कत हो तो दोस्तों अपने प्रिंटर को खोल के कर सकते हैं। और भी यहाँ पे पेज की कमांड दे देंगे, फंसने की प्रॉब्लम थी जो भी कुछ यहाँ पे दिक्कत थी, तो बार बार यहाँ पे दे देंगे कमांड हम और इससे अपने प्रिंटर के अच्छे से टेस्टिंग कर लेंगे। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रिंट आउट यहाँ पर निकाल के दे रहा प्रिंटर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।